दूर से प्रेम की बेवफाई वाली अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पहले तो एक युवक ने एक नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर कई साल यौन शोषण किया, वो गर्भवती हो गई, उसे दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया गया। बीच लड़के की नौकरी एसआई दरोगा में हो गई तो वो उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। मामला भागलपुर के एक चारी बुद्धू चक के टपुआ दियारा का है, जहां के एक युवती के साथ यह घटना हुई है। वो अपने हक की लड़ाई को लेकर सिटी डीएसपी भागलपुर के पास पहुंची। ये जो है ना, मतलब मेरे साथ लड़का 9 साल से प्यार कर, समझे ना, 18 से मनोज पसंद गौरव है ना, कहाँ का रहने वाला? ये टपुआ का है, दोनों गाँव में टपुए गाँव का है। तुम भी वहीं के रह रहे हो? हाँ, दोनों प्रेम वाले पढ़ाने के लिए आता था। उसी समय से प्रेम सब कुछ चल रहा था। फिर गांव में 3-4 साल वहाँ रहे, फिर कहलगाम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ वहाँ जाता था। और फिर मिल उल के बोलता, अभी हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं जानते हैं, इसको हम नहीं पहचानते हैं। गलत किया है तुमने? हाँ, कितने बार? बहुत दिन से, बहुत दिन से गलत किया। युवती ने बताया कि एक चारी बुद्धूचक टपुआ कर रहने वाला रुदल पासवान का बेटा मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार, जो वर्तमान में दरोगा के पद पर कार्यरत है, वो मुझे वर्ष 2017 से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उस समय मैं नाबालिग थी, मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। मुझे अपने साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ लगातार यौन शोषण करने लगा। इसकी जानकारी मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार के घर वाले को हो गया तो उस समय उसके घर वालों ने कहा कि बालिग होने पर शादी कर लेना, हम लोग शादी करवा देंगे। परंतु उसको पढ़ने लिखने का खर्चा उनके पिताजी नहीं देने लगे। तब मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ साथ मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार को पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया। तब वर्ष 2021 में उसकी नौकरी दरोगा में हो गई। ट्रेनिंग तक वो मेरे साथ रहा और बराबर आश्वासन व प्रलोभन देते रहा कि ट्रेनिंग में जाने के पहले तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जब मैं गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी मनोज कुमार गौरव को दी तो गौरव मुझे गर्भपात करने के लिए गोली खाने के लिए कहने लगा। उसने धमकी दिया कि जब तक गर्भ नहीं गिरेगा तो शादी नहीं करेंगे, जिससे मैं डर से गोली खा ली, जिसके बाद मेरा गर्भपात हो गया। परंतु उसे शादी नहीं करना था, उसे सिर्फ मेरा शारीरिक शोषण करना था और वो बिना शादी किए ट्रेनिंग में चला गया। परंतु जब ट्रेनिंग से लौटा तो मैं शादी करने के लिए कहने लगी तो वो कुछ कुछ बहाना बनाते रहा और टाल मटोल करते रहा। अब क्या कर रहा है? अब बोल रहा है नहीं करेंगे शादी। दरोगा में हो गया नौकरी, इसीलिए बोल रहा है नहीं करेंगे। कहाँ है दरोगा? मुजफ्फरपुर। अब क्या कहता है शादी करने के लिए? अब शादी नहीं करेंगे। महिला थाना गई, क्या हुआ? महिला थाना बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से तुम सब झूठों का फंसा रही है, ये झूठ का तुम लोग पीछे लगी रहती है, ये सब बोल रही है। होगा दी? हाँ, वहाँ से भेज दी। वहाँ चारी थाना गई तो वहाँ से बोला महिला थाना जाओ। अब महिला थाना? महिला थाना भी नहीं सुनवाई किया वहाँ से, वहाँ से भगा दिया। हाँ, वहाँ से भी कहाँ है? यहाँ एसपी सर के यहाँ से मिलने आए। क्या मांग कर रही है? मांगे में हम इंसाफ खोज रहे हैं। इंसाफ खोज? क्या लगता है मिलेगा इंसाफ? मिलेगा, जरूर मिलेगा। पुलिस वाला है वो, हो गया पुलिस वाला है तो इसका मतलब क्या है? दूसरे के साथ में इतना अथी करके, इतना दिन से गलत करके छोड़ देगा किसी लड़की को? नौकरी लगते ही उसके परिवार वाले को दहेज का लोभ हो गया और उसके घर वाले कहने लगे कि 20 से 25 लाख रुपए तुम्हें कोई भी दहेज दे देगा और ये लोग तो गरीब हैं, ये कहां से दहेज देंगे, इसलिए दूसरे से शादी कर लो। साथ ही लाचार धोखा खाई लड़की ने कहा कि मनोज कुमार उर्फ गौरव ने भी मुझे धोखा देते हुए कहा कि तुम्हें जहां शादी करनी है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब सवाल यह उठता है कि यह लड़की अब कहां जाएगी, कैसे क्या करेगी? धोखा खाई लड़की ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आत्महत्या छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। साथ ही पीड़ित युवती ने बताया कि लड़के के घर वाले बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम अपनी शादी कहीं और कर लो और पुलिस में इसकी सूचना दी तो मेरा बेटा भी पुलिस में है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अब प्यार में धोखा खाई लाचार बेबस युवती दर बदर भटक रही है।